हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू आवर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नीट की प्रिपरेशन करने के लिए जो लास्ट के 3 महीने बचे हैं उसमें आप कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें पढ़ने के लिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो गाइस, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं मैं आपको बताता हूँ, कुछ टिप्स हैं कि आप अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करके रखें पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी बोर हो जाते हैं लास्ट का टाइम आते आते, पूरे साल से मेहनत कर रहे होते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग योर नीट एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद योर बोर्ड एग्जामिनेशन, देन यू हैव टू मेक अ कंटिन्यूस एफर्ट टू कवर योर सिलेबस कम्प्लीटली। ऑब्वियसली बात है, अगर आप बोर्ड के एग्जामिनेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा सिलेबस ढंग से कंटिन्यूसली कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 11th का ही पढ़ना है, अपने बोर्ड का ही पढ़ना है, 12th भी पढ़ना है। देन ये हो गई जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी बात। सेकेंड वन इज़ इफ़ यू आर रिपीटिंग योर नीट एग्जामिनेशन, देन यू हैव टू कीप योर मॉरल बूस्ट अप ऑल द टाइम। इन द स्पैन ऑफ अ ईयर द स्टूडेंट लूज देयर एम्स इन सक्सेडिंग नीट एग्जामिनेशन। तो गाइस, आपको अपना मॉरल बूस्ट अप करके रखना है, काफ़ी मोटिवेट होके रहना है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होगा, क्योंकि एक आप लगातार जैसे करते हैं, आप एक बार आपने करा, आप लास्ट ईयर नीट का एग्ज़ाम दिया, अगर आपका नहीं हुआ सिलेक्शन और फिर इस साल आपने ड्रॉप करा, आप रिपीट कर रहे हो नीट एग्ज़ामिनेशन, तो हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ, यार नहीं होगा। मैं बताता हूँ कि कैसे उसको ओवरकम करना है। आगे पढ़ते हैं। ऑलवेज मेक स्मॉल नोट्स विच हेल्प यू इन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स बिल्कुल छोटे, शॉर्टर नोट्स जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप नोट्स ही बड़े बना दोगे तो काफ़ी एक इल्यूज़न ही दिमाग में वैसा बन जाएगा कि यार इतना हार्ड है कैसे पढ़ूंगा मैं। आप जो नोट्स हैं वो शॉर्टर बनाएं, बस जिससे आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर ही हो जाएं। हमने इस पर वीडियो बना रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैसे करें। वेन एवर यू आर लूजिंग इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर टॉपिक, इट इज़ एडवाइजेबल टू चेंज द टॉपिक। नेवर स्टार्ट विद अ डिफिकल्ट सेक्शन ड्यूरिंग योर अर्ली डेज। सबसे पहली बात, आप अगर किसी चीज़ पर आप बोर हो रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ने में कोई या चैप्टर पढ़ने में आपका इंटरेस्ट लूज हो रहा है, तो चेंज कर दीजिए। इंस्टीड ऑफ बुक बंद करके सो जाओ या बैठ जाना, नहीं, आप दूसरा कोई चैप्टर पढ़ लें या दूसरे कोई सब्जेक्ट पढ़ लें। अगर आप बायो से बोर हो गए, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं 2-3 घंटे से, तो देन चेंज द सब्जेक्ट, नॉट क्विट द बुक। देन इफ़ यू आर अ रिपीटर, देन यू कैन ईजिली मेक टू एंड फ्रो बिटवीन क्लास 11th and 12th सिलेबस एज पर योर कन्वीनियंस ड्यूरिंग योर प्रिपेरेटरी स्टेजेस। आप टू एंड फ्रोज बना सकते हैं 11th और 12th के सब्जेक्ट पे, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने देख सकते हैं किस हिसाब से तैयारी करनी है, अगर आप रिपीटर हैं तो। एग्जामिनेशन और स्ट्रेस क्या होता है ना, ये कह सकते हो कि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगर आपको मोटिवेटेड रहना है तो सबसे अच्छी बात, सबसे पहले आपको स्ट्रेस फ्री होना होगा। तो आप अपनी कोई पसंद की हॉबी, कुछ अपना काम कर सकते हैं, थोड़ी देर टाइम कुछ गेम खेल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, आप थोड़ा स्ट्रेस से दूर रहें। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उतना आपके लिए नुकसान है। देर आर स्टूडेंट्स हु टेक टेंशन फॉर बेटर परफॉर्मेंस। टेंशन तो बिल्कुल लेनी नहीं है, अगर आप टेंशन लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेंशन नहीं होनी चाहिए, टेंशन होती है, ऑब्वियसली बात है टेंशन होती है, बट आपको उसको अवॉइड करके रखना, आपको दिमाग में ये रखना है कि टेंशन नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू बी काम एंड कंपोज वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। बी काम, बी नाइस, अपना आराम से धीरे धीरे करते रहिए, रेस्ट लीजिए। अगर कोई चीज़ किसी सब्जेक्ट पे बोर हो रहे हैं तो सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, ये नहीं कि उससे नहीं हो पाएगा। स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। टेक रेगुलर मॉक टेस्ट टू अंडरस्टैंड योर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। इफ़ यू आर नॉट गुड विद दोज एरिया, देन ट्राई टू रिवाइज दोज एरिया टू स्कोर बेटर। रेगुलर मॉक टेस्ट लेते रहिए, उसमें आपको पता चल जाएगा मैं किस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, किस चीज़ में मेरा मैं एक्सपर्टाइज हूँ। तो उस चीज़ को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिस पर वीक है एनालाइज़ करें। ऐसे मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज में बोला है, आप जब मॉक टेस्ट देते हैं तो उसके बाद उसे एनालाइज़ करें कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं और गुड पॉइंट्स क्या हैं, और वीक पॉइंट्स पर दोबारा काम करें। कुछ बच्चे मॉक टेस्ट तो देते हैं बट उसके बाद उसको एनालाइज नहीं करते। नेक्स्ट वन इज़ डू नॉट अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन बोथ इन योर मॉक टेस्ट एंड द मेन एग्जामिनेशन विच आर रियली डिफिकल्ट। इट इज़ बेटर टू स्टार्ट विद बायोलॉजी सेक्शन एज इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर क्वेश्चन एंड देन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ग्रेजुअली। आपको क्या करना है, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपको सबसे पहले वो ट्राई करने ही नहीं है, आपको पता है, बोथ मॉक टेस्ट में भी और
अपने मेन एग्जामिनेशन में, मॉक टेस्ट में इसलिए मना करो क्योंकि मॉक टेस्ट को आप एज अ मॉक टेस्ट मत समझिए, मॉक मीन्स फेक मत समझिए, नकली मत समझिए, ये नहीं मॉक टेस्ट तो मॉक ही है, नहीं मेक, अगर मॉक को ही आप ढंग से सीरियसली लेकर चलेंगे तो ही आप आगे बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट और मेन एग्जामिनेशन दोनों में हार्ड क्वेश्चन रियली उसको तो अटैम्प्ट या तो उसको करने से बचें, अपने अटैम्प्ट ना करें, सबसे पहले इजी से स्टार्ट करें। और मेन एग्जामिनेशन के लिए यही राय है कि बायोलॉजी से स्टार्ट करें क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं आपके। नेक्स्ट वन इज़ इंडल्ज इन योर हॉबीज़ फॉर मोटिवेशनल पर्पज़। अपनी हॉबीज़ में जो इंडल्ज रहिए, मैंने आपको पहले भी बोला था, इससे आप थोड़े मोटिवेशनल पर्पज़ के लिए और थोड़ा स्ट्रेस फ्री होने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है आपके पास। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए नीट और जेई की और कुछ इसी टाइप की वीडियोस के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।